उद्घाटन के पांचवें दिन ही धस गई एक्सप्रेसवे की सड़क, तीन वाहन हुई दुर्घटनाग्रस्त। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के पांचवें दिन ही 195 किलोमीटर छिरिया सलेमपुर के पास सड़क धस गई। सड़क धसने के कारण बुधवार रात दो कार और एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। राहगीरों ने घटनास्थल का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उद्घाटन के पांचवें दिन ही एक्सप्रेसवे के 195 किलोमीटर छरिया सलेमपुर के पास चित्रकूट की तरफ जाने वाले लेन की सड़क धस गई। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन टूटने पर मिट्टी कट गई थी, जिसके चलते 2 फीट चौड़ा और 6 फीट लंबा गड्ढा हो गया। सड़क धसने के कारण बुधवार रात दो कार और एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। राहगीरों ने घटनास्थल का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे की सड़क धसने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया। यूपीडा के इंजीनियर ने बताया कि सड़क अब ठीक कर दी गई है। बताते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 जुलाई को जालौन से बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।